इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुमति लाल, श्रीमती शारदा देवी, श्री अल्पेश कुमार, श्रीमती श्वेता, रिद्धि, कथांशी तथा धारणा एवं समस्त कोठारी परिवार, फर्म गुरुवर एंटरप्राइजेस, LIC एडवाइजर, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री निर्मल जी मोंगानिया की पुण्य स्मृति में श्रीमती अनीता, श्री हिमांशु, कुमारी हिना, फर्म वर्धमान गारमेंट्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। आज हम चर्चा करेंगे, पिछली परिवर्तन होता है तो उस बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस दिन पिछली का परिवर्तन होता है उस दिन लोग व्यस्त हो जाते हैं और सब अपने अपने कार्यों में लगे रहते, किसी को सुनने की फुर्सत ही नहीं रहती है। जो काम शांति से होता है वो क्रांति से नहीं हो पाता है। लोगों को आनंद क्रांति में ही आता है। तो जब चतुर्मास हो जाता है तो वर्ष में एक बार मुनिराज पिच्छिका का परिवर्तन करते हैं। जो मोर होती ना, उसके जो पंख होते हैं वह छोड़ देती है। पहले मुनिराज जंगल में रहते थे तो मोर के पंख उठा लेते थे, चोरी का दोष नहीं लगता था महाराज जी को, क्योंकि जल मिट्टी आदि बिना पूछे भी ले सकते हैं। झरने का जल, साधु झरने का जल प्रासुक रहता है तो कमंडल लगा के उपयोग कर लिया, उसको खाली कर दिया, कमंडल को रखते नहीं थे, वो उपयोग कर लेते थे। झरने का जल प्रासुक रहता है तो मिट्टी भी ले लेते थे। ऐसी मोर पंख और पिच्छिका तैयार हो जाती थी पहले जब जंगल में साधु रहते थे। वर्तमान में श्रावक उनको किस प्रकार से देता है, तो जो इसमें यह पिच्छिका मयूर के पंखों में बैत की लकड़ी से, डंडी और रस्सी से बनती है। तो मोर अपने पंख अपने आप छोड़ती है और श्रावक उठा लेते हैं। तो इसमें कुछ नियम आदि लेकर के पिच्छिका आचार्य ऋषि को जो देते हैं और लेते हैं, वो ब्रह्म आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर आचार्य ऋषि से पुरानी पिच्छी लेते हैं। और साधुओं का अपना अपना अलग अलग नियम होता है, जो फॉर्म में नियम भरे जाते हैं, किसी संघ में फॉर्म भरे जाते हैं, किसी में बिना फॉर्म के भी होते हैं। तो इस प्रकार से विशेष परिस्थितियों में, कभी बीच में अगर पिच्छी खराब हो गई या कोई और कारण रहते, जैसे गुरु महाराज से जब दर्शन होते हैं गुरु महाराज के, तो उस समय भी बीच में पिच्छी परिवर्तन कई बार हो जाता है। हम लोगों की इच्छा होती है, जब हम कुंडलपुर से आ रहे थे तो आचार्य जी का, आचार्य जी आपके हाथ से पिच्छी मिल जाए, तो आचार्य जी को हम लोगों ने दी पिच्छी और आचार्य जी ने फिर से दे दी वापस, आचार्य जी के हाथ लग गए आचार्य जी, और कई बार हम लोग नई पिच्छी देते। कई बार चौकों में भी पिच्छी परिवर्तन हो जाता है, आचार्य जी के जिस चौके में आहार होते हैं लोग रखे रहते हैं पहले से और बदल देते हैं, आचार्य जी कुछ नहीं बोलते हैं। तो पहले ऐसे ही होता था, साधु चतुर्मास के बाद नगर में आते थे विहार करते हुए, ग्रस्त लोग पहले से बना के रखते थे पिच्छी और चौके में ही बदल देते थे। धीरे धीरे यह पिच्छी का परिवर्तन बृहद रूप से होने लगा, जिससे क्या होता है कि लोग देखते हैं तो उनके मन में भाव आते हैं कि हमें भी इसी प्रकार से पुरानी पिच्छी मिल जाए। पिच्छी नई देने वाले को फायदा रहता है, क्योंकि वो उससे मार्जन करेंगे, महाराज जी नई पिच्छी दोगे आप, और आगे लेने का भी एक अवसर प्राप्त होता है। तो देने में ज़्यादा फायदा है, लेने में तो रख लोगे आप, पुरानी मिल गई एक रख दी। एक बार हमने सुना था कि एक आचार्य महाराज थे, बागी दौरा में आए होंगे, भाई जी के यहाँ आहार हुए, उन्होंने पूछा जी किसकी पिच्छी है, वो आचार्य थे, उनने कहा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पिच्छी है। अच्छा, उन्होंने बैठ के नमोस्तु किया उस पिच्छी को। तो पिच्छी की कितनी महत्ता होती है ये, तो यह साधु का चिन्ह भी है, और यह मृदु होता है और पंख जो आँख में भी चला जाता है तो पीड़ा नहीं होती है, और इस पिच्छी के बिना करीब 5-7 हाथ ही चल सकते हैं। तो इस प्रकार से यह बीच बीच में कभी भी जब अनुकूलता नहीं होती है, कुछ जल्दी विहार करना हो तो पहले भी हो जाता है, दीपावली के पहले भी,
और जब कोई बृहद आयोजन होता है तो उसमें भी हो जाता है। इसका कोई ऐसा नियम नहीं रहता है, नियत अधिकांश तो वैसे चतुर्मास के बाद ही सब स्थानों पर होता है और इमरजेंसी में कभी भी हो सकता है। तो जो मोर है ना, उसका जो जीवन काल होता है औसत एवरेज 10 से 25 वर्ष होता है। यहाँ पर तो बहुत सारे मोर हैं, प्रति दो चार दिन में, हफ्ते में कभी कभी दिख जाते हैं। आवाज तो आती रहती है, पर्वत और नदी और मोर, ये सब नेचुरल प्राकृतिक वातावरण है। तो मोर के पंख अगस्त में झड़ जाते हैं, अगस्त में झड़ जाते हैं अभी तो हाँ, लेकिन गर्मियाँ आने से पहले यह पंख फिर से आ जाते हैं। और पंख नर मोर के प्रसिद्ध हैं, तो एक गुच्छे में करीब 150 आदि पंख होते हैं। तो नीले रंग के अलावा मोर का रंग सफ़ेद, जामनी और धुमेला भी हो सकता है। तो मोर जब नृत्य करता है तो ऐसे लगता है जैसे रत्न जड़त बुरा वेशभूषा। यहाँ पर कई बार देखने का अवसर प्राप्त हुआ पास से, वैसे तो और जगह दूर से मिलता था, लेकिन इस प्रकार से अब इस के निमित्त से जो होता है ना, दिगंबर श्रमण संयम करण अपनी दिनचर्या में प्रतिपल करते हैं, उठते बैठते विश्राम करते समय चलते आहार आदि क्रियाओं में निरंतर परिवारजन के लिए पिच्छी का सहायक होती है। तो जब मयूर पंख की कोमलता कम हो जाती है, अर्थात मयूर पंख स्पर्श करने पर हल्के से कठोर लगने लगते हैं, तब ही उसको परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रकार से हल्की ही जब चुभन हो जाती है, उसके अनुसार जब जीवों की रक्षा नहीं हो पाती है तो उसको बदल लेते हैं। अब आज की भौतिक चकाचौंध की भागती हुई जिंदगी में प्रत्येक मनुष्य धन कमाने के लिए सही गलत सभी प्रकार के प्रयास करते हुए धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। इसलिए आज के दिशाहीन श्रावकों के लिए मोक्ष मार्ग के संवाहक श्रमण साधु ही केवल सही दिशा में मार्ग प्रशस्त कर सकते। इसलिए श्रावकों में संयम धारण करने के लिए, नव युवाओं में धर्म के प्रति आस्था जागृत करने के लिए और बालकों में संस्कार का बीजारोपण करने के लिए यह आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो आयोजन होता है, निष्ठापन के समय ही कार्तिक मास के आसपास मोर भी अपने पंखों को स्वतः छोड़ते हैं, वो तो हमने पहले ही बता दिया। अब मयूर पंख में विद्वान पांच गुणों के साथ ही शास्त्रों में आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने दिगंबर श्रमणों के लिए मयूर पंख से निर्मित पच्चिका का ही उल्लेख किया है। अब वैसे देखा जाए तो ये अशुद्ध रहती है, देखो ये हड्डी रहती ना थोड़ी थोड़ी, चौके में दूर रख देते हैं। एक बार हमारे आहार चल रहे थे, कोई जीव आया, एक लड़के ने पिच्छी उठा के ऐसी लगा दी तो हमने अंतराय कर दिया, इसलिए दूर रखते इसको, क्योंकि हाँ अहिंसा का उपकरण है, शुद्ध नहीं है। कमंडल भी बाहर रखा जाता है, पिच्छी एक साइड अंदर इसलिए रखी जाती है, टांग दी जाती है। तो एक स्थान पर अशोक नगर में ये सब श्रावक जो लड़के हैं युवा, वो बनाते हैं और संघों में भेज देते हैं। पहले हम लोग खुद बनाते थे, जब नई नई दीक्षा हुई थी तो उतना आता भी नहीं था बनाना। अब रेडीमेड सिस्टम हो गया, सीधे बन के आती हैं और सीधी हाथ में श्रावकों के द्वारा प्राप्त हो जाती है। हम लोगों को उनको पुरानी मिल जाती है, हम लोगों को नई मिल जाती है। तो इस कारण से अब मोर एक ऐसा पक्षी है जो कार्तिक मास के आसपास स्वतः ही अपने पंखों को छोड़ता है। मोर को बिना घात किए हुए व पूर्णतः अहिंसा के साथ ये पंख उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए इन मयूर पंखों से ही पिच्छिका का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा मोर एक ऐसा पक्षी है जो बिना किसी विषय वासना के ही अपना जीवन बिताता है। भाव अतिरिक्त होने के कारण जब मोर के आँख में आंसू आ जाते हैं तब मोरनी इन आंसुओं को ग्रहण कर लेती है, जिससे उसे गर्भ धारण हो जाता है। तब मोर को अपने वंश को बढ़ाने के लिए हाँ विषय वासना आदि की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसके कौन कौन से पांच गुण होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। एक तो
मृदुता होती है, तो वो तो बता ही दिया, सब जानते हैं कि छोटा सा तिनका भी चला जाता है तो आँखों से आंसू आने लगते, परंतु मयूर का जो पंख है इतना मृदु होता है कि आँखों में जाने पर कोई चुभन नहीं होती। सुकुमारता, मयूर पंख अत्यंत कोमल होता है, इनकी कोमलता के कारण ही परिमार्जन करते समय जो जीव हमें सूनी आँखों से नहीं दिखाई देते उन जीवों को भी रक्षा करती, अहिंसा महाव्रत का पालन किया, रज ग्रहण नहीं करती है। धूल आदि हम लोग धूल में भी लगाते हैं ना, तो वो धूल ग्रहण नहीं करती, देखो कितनी अच्छी होती है पिच्छी। तो जो भी वस्तु को उठाते रखते हैं तब पिच्छिका का उपयोग कर, तब पिच्छिका उस धूल को हटा देती है, परंतु मयूर पंख उस धूल को ग्रहण नहीं करते। पसीना भी ग्रहण नहीं करती, और पसीना आ रहा है ना तो ऐसे लगा लेंगे ना जब, हाँ तो और हल्के भी होते हैं वजन में, अब लेके चलना पड़ता ना इतनी दूर, बिहार कर रहे हैं तो हल्की होती है। कई लोग मांगते हैं महाराज जी हमें पिच्छी दे दो, कमंडल तो दे देते, पिच्छी मांगते हैं, पिच्छी साधु की वो है ड्रेस है। एक बार अंग्रेज लोग आए विदेश से, तो आचार्य ऋषि से पूछा व्हाट इज दिस, ये क्या है, अंग्रेज लोगों ने पूछा ये क्या है, तो आचार्य ऋषि ने कहा दिस इज माई यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है ये मेरी ड्रेस। तो हाँ हाँ अच्छा जवाब दिया। तो इस प्रकार से ये तो सब मालूम ही है आप लोगों को कि इसके बिना कोई भी क्रिया नहीं होती है। अब संयम का साधन होने लोक व्यवहार से पिच्छिका को पवित्र उपकरण माना जाता है, तो आहारचर्या के समय भोजन में मनुष्य अन्न पशु पक्षी के बाल आ जाने के कारण मुनि आरिका के लिए अंतराय का कारण बन जाते हैं। तो फिर तो मयूर पिच्छिका भी मोर के पंखे द्वारा निर्मित होती है। दिगंबर श्रवण आहारचर्या में पिच्छिका को दो तीन हाथ की दूरी पर और रख देते हैं, जब आहार आदि हो जाते हैं तो ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये चर्चा चल रही थी कि यह दिगंबर मुनि के पास संयम उपकरण के रूप में पिच्छिका होती है, जिन मुद्रा एवं करुणा का प्रतीक है। पिच्छिका और कमंडलू मुनि के स्वावलंबन के दो हाथ हैं, इसके बिना अहिंसा महाव्रत आदान निक्षेपण समिति तथा प्रतिष्ठापना समिति नहीं पल सकती। प्रतिलेखन शुद्धि के लिए पिच्छिका की नितांत आवश्यकता है। तो आचार्य भट्टिकर स्वामी जी मूलाचार में लिखते हैं कि निपिच्छे नत्थी निर्वाणम, यानी पिच्छी के बिना निर्वाण संभव नहीं है। तो इस प्रकार से चर्चा चल रही थी कि जब सामयिक भी करते हैं ना मुनि महाराज, तो इसको एक साइड रख देते हैं। तो मुनि की पिच्छिका में लगभग लगभग 900 पंख लगते हैं और आरिका की पिच्छी में 600 से 750, ये छोटी बड़ी हो जाती है क्योंकि सबकी अलग अलग रहती है ना, कोई को छोटी पसंद, कोई को बड़ी पसंद, और जो वहाँ से बन के आती है तो एवरेज मुनि महाराज की अलग, आरिकाओं की अलग। तो इस प्रकार से जब मोर प्रसन्न होता है तो अपने पंखों को फैलाकर नाचता, नाचते नाचते मस्त हो जाता है। ये तो हमने पहले ही बता दिया आप लोगों को। और अब लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा है, लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा है कि पिच्छी लेने के क्या नियम होते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि बहुत कठिन नियम होते हैं। कठिन कुछ नहीं होते हैं, जो प्रतिमाधारी होते हैं ना, जो सामान्य ग्रस्त होते हैं ना, वो अपना प्रमोशन करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बोली तो लगती नहीं है। जैसे सौधर्मेंद्र बनना है, कोई और पद ग्रहण करना, बोली ले लो तो कोई भी बन जाएगा। ये तो संयम की बोली है इसमें, तो इसमें कम से कम ब्रह्मचर्य व्रत का तो महाराज जी ने बता ही दिया था उस दिन, जो होता है ना अपनी अपनी उम्र के अनुसार होता है। फिर इसके पश्चात देव दर्शन आदि पूजन का नियम, रात्रि भोजन का त्याग, जमी कंद का त्याग और नशीले पदार्थ का त्याग होता है, सप्त व्यसन का त्याग और हिंसक खाद्य पदार्थों का, हिंसक श्रृंगार सामग्री चमड़े का, और रात्रि में जल का नियम टाइम से होता है। इसलिए बता रहे हैं कि फॉर्म जब लेंगे तभी तो आपको मिलेगी,
अभी तो टाइम है वैसे, लेकिन हो सकता है दूसरा कोई ले जाए, बाहर भी जाती है ना, बाहर के लोग भी बहुत सारे लगे रहते हैं निवेदन कर, लोग क्या सोचते हैं कि हमारे नगर में ही रहे, लेकिन नगर के कोई आए तब तो मिलेगी उनको, नहीं तो बाहर के लोग ले जाएंगे। पिछले बार तो उसी नगर के लोगों ने को मिली थी पूरे, और हर बार कुछ लोग बाहर के कुछ अंदर के रहते हैं। तो जिन महाराज जी से आपको लेना है, जिनकी पिछी देना है, उन्हीं से आप निवेदन करें, उन्हीं से फॉर्म लें, और उस फॉर्म को भरने के बाद आप जमा कर दें। फिर आपका नंबर कब लगेगा, जब लॉटरी में नंबर आता ना खुलता है तो फिर मिलती है। इस प्रकार से अन्य नियम भी हैं जो सहायक नियम होते हैं, वो फॉर्म में सब लिखे हैं, फॉर्म में सब लिखे हैं, तो आप लोग उन फॉर्म के नियमों को पढ़ करके फॉर्म भर करके जमा करेंगे, और जमा करने के बाद आपका नंबर लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, तो लगे या नहीं लगे, लेकिन आप फॉर्म भर। अब जो प्रतिमाधारी हैं, जो व्रती हैं, तो वो तो हैं ही, लेकिन नए लोग कैसे जुड़ेंगे। हमने बताया था एक बार कि आचार्य ऋषि सबसे ज़्यादा खुश होते हैं किससे, नए लोगों को देख के, क्योंकि नए लोग जुड़ते हैं ना, जो जुड़े हैं। अब कई लोग 60-70 साल के बाद कहते हैं अब पिछी दे दो हमें, अब उनके तो नियम है ही, नए लोग जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा बताओ, जो अभिषेक पहले मंदिरों में बूढ़े पुराने लोग ही करते थे पहले हर जगह, फिर जब महाराज जी लोगों ने उपदेश दिया, नियम दिए, तो अब नए लोग दिखने लगे। तो ऐसे ही अपना वंश कब चलता है, जब नए लोग जुड़ें, व्यापार में हर चीज़ में युवा लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, इसलिए तो ये इसलिए बताया गया है। उस समय हमने देखा है कोई सुनता ही नहीं है, इतनी भीड़ रहती है, और बड़ा कोई कार्यक्रम हो रहा हो, पंचकल्याणक हो रहा हो, और उसमें पिछी परिवर्तन हो रहा हो, तो फिर क्या स्थिति होती है, इतनी सारी भीड़ रहती है, किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। तो हम क्या करते हैं, हमने अपना सिस्टम चेंज कर दिया। हमने कहा पहले सब चीज़ें अच्छे से समझा दो, बता दो उस समय क्या स्थिति रहेगी, कोई सुनता ही नहीं, और टाइम भी नहीं रहता है, टाइम भी नहीं रहता है उस समय बोलने का, संचालन करना पड़ता है हम लोगों को। तो जब नंबर आता है तो बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं, स्थिति परिस्थिति उस समय वो बातें बता ही नहीं पाते हैं, तो वो भीड़ सुन नहीं पाती है। तो इसलिए आज का यह है, पिच्छी का परिवर्तन क्यों होता है, किस लिए होता है, पिच्छी लेने से क्या होता है, क्योंकि आप मुनि महाराज को कोई गिफ्ट दे नहीं सकते ना, तो एक ही दो उपकरण है, कमंडल तो हमेशा रहता है। आचार्य ऋषि के पास जो पूज्य, ऐसा सुना था कि पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज का कमंडल था, वो आचार्य ऋषि को मिला था, उसके बाद वो शायद उसमें कुछ हो गया था, तो फिर दूसरा आचार्य ऋषि ने परिवर्तन किया, तो कितने वर्ष चलाया कमंडल, तो कमंडल तो बदलता नहीं है, पिच्छी बस वर्ष में एक बार, वो भी आचार्य ऋषि की पिच्छी जो आजीवन व्रत लेता, और दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसको आचार्य ऋषि की पिच्छी मिलती है। अब मुनिराज भी मान लो जितनी गिनती में है उतनी पिच्छी मिलेगी, अलग से कहाँ से लाएंगे। तो इस प्रकार से एक संग में पिच्छी परिवर्तन हुआ, अब नाम हम नहीं लेंगे आपके यहाँ चतुर्मास हो चुका है, बड़े महाराज जी हैं, तो क्या हुआ, आचार्य ऋषि के द्वारा मिली होगी पिछी, तो उनने सोचा जी आचार्य ऋषि के हाथ से मिली है, तो इसको बहुत सारे लेने वाले थे, तो उसको पार्ट में कई पार्ट कर दिए तो ऐसा हम लोग नहीं करते। तो क्या होता, लेने वाले बहुत सारे लोग रहते। एक बार हमारा भी हुआ था, किसी ने हमें चौके में दे दी नई पिछी, फिर वो रख ली, फिर बाद में दो लोगों को अलग अलग दी, एक को मंच में एक बिना उसके, क्योंकि वो स्थिति अलग थी। हाँ, तो इस प्रकार से ऐसा भी कई बार हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुमति लाल, श्रीमती शारदा देवी, श्री अल्पेश कुमार, श्रीमती श्वेता रिद्धि कथांशी तथा धारणा एवं समस्त कोठारी परिवार, फर्म गुरुवर एंटरप्राइजेस LIC एडवाइजर, घाटोल जिला बांसवाड़ा राजस्थान, स्वर्गीय श्री निर्मल जी मुंगानिया की पुण्य स्मृति में श्रीमती अनीता, श्री हिमांशु कुमारी हिना, फर्म वर्धमान गार्मेंट्स, घाटोल जिला बांसवाड़ा राजस्थान।